खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारे डीएनए में 5 लोग। खुश रहो बेटा, लो रोग वोग तो पहले बहुत जा चुके, स्मृतियाँ जरूर बची थी कुछ, वो भी सब नष्ट हुई। देखो क्या क्या स्मृतियाँ थी, कैसे कैसे कष्ट। हाँ, आवश्यक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में घाव और पस बनाने वाली स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, आंखों में धुंधलापन, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, मस्तिष्क में सूजन था, गंदे सपने आते थे, पेट दर्द की स्मृतियाँ थी, कमर दर्द की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में गांठें बन रही थी, ब्रेन में घाव बन रहा था, घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में जलन होती थी, सिर में दर्द होता था, गॉल ब्लैडर में सिस्ट बन रहा था, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, किडनी में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, रेक्टम में और अपेंडिक्स में। ना इस सब बची खुची स्मृतियाँ नष्ट हो गई, सब बढ़िया बढ़िया। खूब ध्यान साधना करो, पूजन पाठ करो, खूब अपना अपना काम करो, घर में प्रेम से सब लोग रहें, परिवार यही दरबार करके रखा है। जी हमारा देख के जाप वगैरह कैसा चल? हाँ बेटा, जाप वगैरह थोड़ा देख, माइक थोड़ा सही रखा करो तुम लोग भाई। ध्यान साधना गुरु जी, थोड़ा जाप वगैरह आप करो, अब आँख बंद करके करिए, अब सब कुछ अच्छा अच्छा बता तो रहे, अब शुभ करिए, सब अच्छा अच्छा है। अब ना ध्यान करते समय भूतकाल में जाओगी ना भविष्य में जाओगी, जा ही नहीं पाओगी। देखो करो जी गुरु, वर्तमान में रहोगी, खुश हो बेटा। दो तीन बातें और करनी थी आप गुरु जी, घर बनवाए हैं किराए से, लेकिन उसमें कोई किराएदार नहीं, पूरा घर खाली आ जाए। चलिए दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। दूसरा गुरु जी, 5-6 साल से हमारे पति घर में बैठे हैं, कोई नौकरी जाप नहीं। तीसरा बताओ। तीसरा कुछ नहीं गुरु जी, सब सही है, ये सब गंदगी गई, सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ खुल के सब कुछ होगा, काम चिंता मत करो, ठीक है। वो सब गंदगी कारण रुका हुआ था। वनडे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम सोच ही नहीं रह पाए थे कि हमारा वनडे हो जाएगा, लेकिन ऐसा बाबा जी ने कमाल कर दिया कि सब हो गया, अभी तक ये पता नहीं चल रहा है गुरु जी। दरबार के धन्यवाद गुरु जी, आपको भी बहुत। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। अ वेरी बिग प्लेजर ऑन योर सॉफ्ट गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, खूब स्वस्थ रहिए जी गुरु जी। आपको एक कष्ट तो नहीं शेष? देयर आर थ्री टू फोर थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू। बिफोर दैट गुरु जी, आई वांट टू सिंग अ भजन फॉर यू एंड सदगुरु जी, सो कैन आई? कर सकते हो, छोटा सा, 4 लाइन। हाँ, 4 लाइन सॉरी। गुरुदेव मेरे संसार आप ही है, शिव शंकर है आप, दिव्य शक्ति है आप, शिव शंकर है आप, दिव्य शक्ति है आप, आपकी आंखों में क्या चमक है प्रभु, आपकी आंखों में क्या चमक है प्रभु, सूर्य भी आपके आगे फीका पड़े, सूर्य भी आपके आगे फीका पड़े, पुष्प भी खिल जाए आपकी आवाज से, पुष्प भी खिल जाए आपकी आवाज से, क्या ही सुंदर रूप आपका है प्रभु, क्या ही सुंदर रूप आपका है प्रभु, देख के मगन हो ही जाती हूँ मैं, सारे गा गा गरे पादानी, सारे गा सारे गा गा गरे पादानी सारे गा। धन्यवाद। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो बेटा, खूब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब तरक्की करिए, खूब प्रोग्रेस करिए, खुश जी गुरुदेव। 4 things यू रिमेम्बर गुरुदेव? पहला तो ये गुरुदेव, अचानक से मेरी आँख में मतलब धुंधलापन आ गया और अचानक से चश्मा लग गया, तो गुरुदेव समझ नहीं आ रहा है कैसे। ये चश्मे वाली स्मृति आँखों में लगा दी है, चश्मा हटाओ। आँखों में जो कष्ट होते थे, देखो कोई आँखों में कोई कष्ट बचा गुरुदेव? अभी आपकी आंखें सही से दिखाई नहीं दे रही, धुंधली है। हम वो नहीं पूछ रहे, हमने पूछा आँखों में जो कष्ट रहता था, अब कोई कष्ट बचा आँखों का कष्ट? गुरुदेव अभी बस दर्द हो रहा आँखों में। आंखें बंद करो माँ, डाल दी जाए औषध नेत्रों में, चश्मा लगाने के बाद जो
एकदम वो स्मृति आ गई। ओम जब भजन करती हैं तो भजन करते करते अचानक श्वास एक उल्टी चल जाती है जिसके कारण भजन बीच में टूट जाता है, श्वास उल्टी हो जाती है, सीधी की जाए। ओम तीन बार बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो। अब तुम्हारे जैसे आँखों में बहुत समस्या आपको हो रही थी, पता है? आँखों में कैंसर की स्मृतियाँ थी, कैंसरस। पहली बात तो वो नष्ट हुई जो स्मृति थी, पहली बात। दूसरा, सब मोटा मोटा दिखता था, सब मोटे मोटे, ऐसी स्मृति थी तुम्हें, अब वो नहीं है। लोग ना जैसे पतले हैं, लेकिन आपको देखने में लगता था मोटे हैं, है ना, ये आपको लगता था, अब ऐसा नहीं है, वो स्मृति नष्ट हो गई। दूसरी बात, आँखों की रोशनी बढ़ गई है और चश्मा अनफिट हो गया है आपका, ठीक है? हाँ, ये हुआ, दरबार ने आपकी धीरे धीरे आँख की रोशनी बढ़ाई है। आँखों में सूजन आ जाती थी, चक्कर आ जाते थे, जलन होती थी, दर्द होती थी, कभी कभी अंधेरा छा जाता था आँखों में। ये सब आँखों के कष्ट थे जो नष्ट हुए, अब नहीं है। अब देखो, सब लोग खड़े हैं, माँ खड़ी, सब लोग खड़े हैं, कोई मोटा लग रहा है देखने में? नहीं गुरु जी, परफेक्ट है। परफेक्ट है। तो सारी स्मृतियाँ थी जो नष्ट हुई बेटा। लेपन करना है सिर पे ताकि नर्वस सिस्टम अच्छा हो, आँखों से जुड़ा हुआ, और आँख की रोशनी और बढ़े, ठीक है? जी गुरुदेव। गुरुदेव सेकंड थिंग, गुरुदेव सेकंड, मेरी हाइट गुरुदेव रुक गई थी, यानी 2 साल पहले से ही, मतलब जितनी बड़ी 2 साल पहले थी उतनी अभी हूँ, हाइट ही नहीं बढ़ रही। अपने संकल्प करोगे वो भी हो जाएगी, आपके संकल्प तो होता है गुरुदेव। थर्ड थिंग गुरुदेव, 2 साल से नीट की तैयारी करें, नीट यूजी एग्जामिनेशन की गुरुदेव, किसी ना कारण बस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता, कभी फिजिक्स हमेशा लगता था कि हम पास नहीं हो पाएंगे, हमेशा जी गुरुदेव, हमेशा। अब क्या लग रहा है, पास हो पाओगे कि नहीं? हाँ गुरुदेव, सिलेक्शन का मम्मी बोलती है, मुझे भी लग रहा है कि हो जाएगा गुरुदेव। फिर तो ये सब दरबार कर चुका, जो तुम पूछ रहे हो दरबार सब कर चुका, कुछ बचा ही नहीं। यहाँ तो हम बातें करते हैं, बैठ के बातें बना रहे हैं बैठे बैठे हम लोग, आप प्रक्रिया करते हो वहीं ठीक हो जाते हो। ये तो हम बात है, हम भी खाली बैठे हैं तो बातें कर रहे हैं आपसे, आप भी खाली हो तो बातें कर रहे हो, इतनी बात है। बाकी ठीक, तो आप अपने स्वस्थ होते हो अपने प्रार्थना संकल्प से दरबार में आते, ठीक है? खुश रहो, खुश रहो। तो अभी जो आप नीट की तैयारी कर रही हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें आपकी गड़बड़ हैं जिससे आप हमेशा पीछे रह जाती थी। कौन सी गुरुदेव? हाँ आप सोचो, आपको ही नहीं पता है कि आपकी क्या चीज़ गड़बड़ क्या कमज़ोर है, लेकिन दरबार दिखा रहा है जो कमज़ोर है, ठीक है जी गुरुदेव। पहला बायोफिजिक्स, आपकी रुचि बहुत कम जी गुरुदेव, आपकी रुचि बहुत कम, इसलिए उसकी पढ़ाई कम, इसलिए उसमें नंबर कम। गुरुदेव 16-17 आवर्स पढ़ते हैं, वही सेम चैप्टर्स। उससे मतलब नहीं है, दरबार जो दिखा रहा है वो हम बता रहे हैं कि उसके बाद भी आपका फेलियर था इसमें, इस सब्जेक्ट में था कि नहीं जी गुरुदेव? हाँ। दूसरा, पहली बात पढ़ती बहुत थी लेकिन समझ में नहीं आता था जी गुरुदेव, ठीक है ना? तो जब पढ़ बहुत रहे और समझ में नहीं आ रहा तो परीक्षा क्या देंगे, इसीलिए आप रिजेक्ट हो जाता था मामला, ठीक है? और केमिस्ट्री भी में यही हाल है आपका, केमिस्ट्री भी आपकी पूरी तरह अच्छी नहीं है। या बिगेस्ट फियर केमिस्ट्री, मैंने कहा आपकी उसमें भी पूरी रुचि नहीं है, हाँ है ना जी गुरुदेव? समझ ही नहीं आता है वो फिजिकल, बात एक ही है, समझ ना आना, रुचि ना होना एक ही बात। आंखें बंद करो, अभी हम समझा देते हैं। ओम, बायोफिजिक्स में उसकी रुचि बढ़ाई जाए और केमिस्ट्री में उसकी रुचि और गहरी की जाए, जो पढ़े देखे चित्रण सही से कर सके, सही से सुन पाए, सही से समझ पाए, सही से उत्तर दे पाए पढ़ने के बाद, जो पढ़े लिखे सब समझ पाए ठीक से। ओम शिव, और गहरी रुचि की जाए, आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, इन विषयों को देख करके घबराहट बेचैनी होती थी उलझन
नष्ट की जाए स्मृतियाँ, पाठ और रुचि बढ़ा दी जाए। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो बंधन की चौथी जी गुरुदेव। आप सोचो अपने बायोफिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, आप कैसा लग रहा है, कर पाओगे कि नहीं? जी गुरुदेव कर पाएंगे। हाँ अब कर पाओगे, खुश हो गुरुदेव। धन्यवाद। खुश गुरुदेव। गुरु जी कर्म कोट कोट प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजी बाबा मक्षण में कोट कोट प्रणाम। खुश हो बेटा, को प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ। गुरुदेव जी आपको कोट कोट धन्यवाद वंडे कराने के लिए। आप तो अंतर्यामी सब जानते हैं क्या है, बाबा माँ कृपा है, किसी से गुजर रहे हैं कोई बात नहीं। देखो ये सब कष्ट गए, सब नष्ट हुए, आपके परिवार के पुरुष सदस्यों के सब नष्ट। पागल बनाने वाली ये स्मृतियाँ थी, बुद्धि बांध कर रखने वाली ये स्मृतियाँ थी, फेफड़े सिकुड़ रहे थे, सांस फूलती थी, हार्ट ब्लॉकेज की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा चिपक रहा था, रक्त गाढ़ा करने वाली स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, लिगामेंट टियर और रैप्चर की स्मृतियाँ थी, मल त्याग करने में कष्ट होता था, नशे की ओर प्रेरित करने वाली स्मृतियाँ थी, MND की स्मृतियाँ थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज की, बैठकर उठने में समस्या होती थी, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाते थे, कैंसर की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में, लीवर में, पैनक्रियास में, किडनी में, मुख में और भोजन नली में। जी गुरुदेव बिल्कुल सही है, अभी सब गंदगी नष्ट है बेटा, सब बढ़िया बढ़िया रहो, बाबा माँ कृपा है, भोलेनाथ की माँ की कृपा है, सब अच्छे रहो, ध्यान साधना अनुष्ठान सब अच्छे से हो, अपना कार्य व्यापार नौकरी सब अच्छे से हो, सब परिवार में तालमेल अच्छे से हो, प्रेम रहे, यही दरबार की कृपा है। गुरुदेव जी मैं कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ दरबार का। गुरुदेव मैं सेना में मैं 19-20 साल नौकरी किया, मैं पूरा इंडिया साथ घूम रखा हूँ और देखा कि सेना के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे, हम लोग भी उसी में थे। ये दरबार ऐसा दरबार है कि जैसे गाड़ी के अंदर कई फॉल्ट आ जाते हैं और उसको रिपेयरिंग के लिए ओवरऑलिंग के लिए गैराज मिले जाते हैं, ऐसे ही ये दरबार है, विलक्षण दरबार है। एक मानव के अंदर जो जो भी प्रॉब्लम है वो ओवरऑलिंग के लिए आता है यहाँ पर और एक हवन करता है, एक हवन मारते हैं पूरा उसका ओवरऑलिंग हो जाती है और टना टन होकर खुशते हंसते हुए वो अपने घर को जाता है। गुरुदेव ऐसे कृपा बनाए रखिएगा सही पे, ऐसा दरबार है गुरुदेव। खुश रहो बेटा। दूसरा गुरुदेव मैं 13 साल सेना में इंस्ट्रक्टर रहा तो लड़कों ट्रेनिंग देता था तो हमारे नसों में कई सारी चीज़ें जिसमें कमर में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती थी, ट्यूहन टाइम में होती थी, लेकिन हमने बहुत सारी जगह जगह दवाई करवाया, बहुत पतन क्या का पट्टियाँ डॉक्टर ने बांधी, फालतू बेवकूफ़ बनाते रहते वो कहीं ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर मैं जब आया हवन किया बिल्कुल सही हो गया, कोई पता नहीं चला गया कहाँ हूँ, ठीक है। दूसरा गुरुदेव मैं 2014 में ग्लेशियर मेरा तैनाती हुई जो दुनिया की वर्ल्ड हाइजेस्ट बैटल फील्ड है, वहाँ पे जाने का तो बंदा माइनस टेम्परेचर 35 एंड अबव टेम्परेचर है वहाँ का, तो वहाँ पे जाने का कोई ना कोई पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जाना का मेरा एक साइज का पक्का बिल्कुल ये हो गया था, सुन्न पन रहता था, कंपन रहता था, तो डेली का आरआर हाउस जैसे हॉस्पिटल चक्कर काट के थके कुछ नहीं हुआ, यहाँ हवन किया पता नहीं कहाँ गया वो। दूसरा प्रॉब्लम हुई थी ग्लेशियर में काटने के बाद कि हमारे यहाँ पे बस चूहन सी रहती थी यहाँ पर, मतलब दवा खिंचाव सा रहता था, बिल्कुल लगता था कुछ हो रहा है। यहाँ पर आया हवन किया पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं तो हॉस्पिटल पूना का कमांड हॉस्पिटल, अपना आरआर हॉस्पिटल, पता नहीं कितने हॉस्पिटल जहाँ जहाँ पोस्टेड होते थे जाके फिर वहाँ पर्ची लगा लाइन लगा के डॉक्टर खड़े हो जाते थे, और मैं नहीं मेरे से कितने गुरुदेव पीछे बंदे हैं सेना के जो लाइन लगा लगा के बाद में दुखी होके परेशान होके अनफिट होके सेना से रिजाइन करके चले आते हैं और मेडिकल रिटायरमेंट ले लेते हैं। गुरुदेव ये हालत है। गुरुदेव आपसे एक विनती है, पूरे निवेदन है और रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इंडिया के अंदर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा आर्म फोर्सेस मिलिट्री रिटायरमेंट सर्विंग पर्सन है, उनके लिए तकरीबन 90% लोग प्रॉब्लम रहते हैं, 90% प्रॉब्लम रहते हैं और हॉस्पिटल में चक्कर काट काट के पूरी जिंदगी नष्ट कर देते हैं, पैसा गंवा देते हैं, पूरा जो भी VRS का पैसा लेके आते हैं उसी में चला देते हैं, मतलब खपा देते हैं, लेकिन वो ठीक स्वस्थ नहीं होते, अंत में वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं।
तो उनके लिए ऐसा कुछ विधान बनाया जाए कि वो लोग यहाँ पे आए और हम लोग बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं नेशनल लेवल पे, तो उनको हम हर चीज दरबार की बात उनको बताए तो यहाँ पर आकर चिकित्सा करें और स्वस्थ हो जाए गुरुदेव। जैसे आपने वैदिक प्रक्रिया की जी, परिवार स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, सभी अच्छे हैं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से सब अच्छे हैं। दरबार की ये शक्ति है जी, कि अगर ये पूरी पूरी बटालियन कंपनी पूरी पूरी मेरे सामने बैठा दी जाए वहीं जहाँ हैं, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है जी, हम ऑनलाइन ही कर देंगे। हम दरबार के ब्राह्मण देवता वहाँ जाके सब एक साथ बैठा के कर देंगे जी, हम दरबार में ही रहेंगे और वहाँ सब जैसे आप स्वस्थ खड़े हैं ऐसे वो सब वहाँ एकदम स्वस्थ खड़े रहेंगे जी, हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। ये दरबार की शक्ति है, लेकिन ये दरबार के बारे में सरकार को सोचना है, गवर्नमेंट को सोचना है। अगर उनको लाभ लेना है तो दरबार से सहयोग लेना, दरबार तो खड़ा है सहयोग करने के लिए। जो भी शुभेच्छा है, जो भी शुभकामनाएं दरबार देने के लिए तैयार है, दरबार सेवा के लिए तैयार है, देश की सेवा के लिए तैयार है। सैनिक देश का मान रखते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। हम यहाँ अगर आपके साथ बैठ के मस्ती में बात कर रहे हैं तो अपनी सेना के कारण, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं। जिसका ध्यान भी नहीं आता, आदमी सोचता हम इतना कमा लिए, इतना कमा रहे तो मजे में, जिस दिन सेना हट जाएगी सब छिन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा जी, बिल्कुल सब गायब हो जाएगा जी, है ना। सर इधर कटा पड़ा होगा, हाथ उधर पैर कटे पड़े होंगे जी। तो सेना ही हमारी देश की रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। हम तो सेना के लिए है ही हैं, हमको बुलाए तो जहाँ उत्साह कम होता हो हमें ग्लेशियर में भेजो आप जी, जहाँ पर उनको तमाम कष्ट होते हैं, अगले दिन से किसी को कोई कष्ट नहीं होगा जी, ग्लेशियर में जी। कहीं पर भी कोई अगर विषमताएं हैं, ये दरबार की शक्ति है जी, इसमें क्या दिक्कत है जी। कहीं या तो उत्साहित होते हो, कहीं मनोबल गिरता हो, आप बिठाओ मेरे सामने, वैदिक प्रक्रिया करें एक साथ बैठ के, समूह में वैदिक प्रक्रिया करें एक जी, साथ जी, सब एक साथ अच्छे यूनिट की यूनिट, ये तो बटालियन प्रक्रिया है, बटालियन के बटालियन, यूनिट की यूनिट, रेजिमेंट के रेजिमेंट, एक साथ साफ हो जाए, एक साथ स्वस्थ हो सकते हैं। देखिए क्या है कि अभी जितनी भी फोर्सेज हैं, वो चाहे आर्म फोर्स हैं, चाहे वो हमारी पैरामिलिट्रीज हैं, चाहे कोई भी फोर्स हो, सभी के साथ परिवार है, है ना। बिल्कुल तैनाती दूर रहती परिवार से, चिंता भी रहती परिवार की, है ना। तो तमाम चीज़ें उन चिंता से शरीर खराब होने लगते हैं, तमाम रोग बनने लगते हैं जी, है ना जी। दरबार की ये शक्ति है कि सबको प्रसन्न चित रखना, अपने देश की सेवा के लिए हमेशा अडिग रहना, ये सब उनके अंदर और प्रगाढ़ हो जाएगा, खूब ज़बरदस्त हो जाएगा, है ना। और फोर्स में रहने वाला व्यक्ति तनाव सबसे ज़्यादा झेलता है, बहुत तनाव, बिल्कुल बहुत तनाव झेलता है। एक सैनिक जानता है कितना तनाव रहता है, जितना सैनिक को तनाव होता है उससे हजार गुना ऑफिसर को तनाव रहता है। बिल्कुल गुरुदेव, उसकी जिम्मेदारी रहती है तमाम जी, लोगों की जी, आपको ही बचाना है, आपको भी सेफ रखना है, देश को भी सेफ रखना है। और ये तनाव बढ़ता जाता है हर लेवल पे, मतलब अफसर से लेकर ब्रिगेडियर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कमांडर, सारे को बढ़ता जाता है। और यही फिर बात है, देश के जो कर्णधार है उनमें भी तनाव रहता है। बिल्कुल, तो अगर हमारी फोर्सेज अच्छी रहे, हम तो हर तरह सेवा करने के लिए तैयार है, दरबार तो हमेशा तैयार है, घूम घूम के सेवा करने के लिए तैयार है। आवश्यक नहीं कि यहाँ के सैनिक आए, कभी कोई एक कमांड, कोई एक पूरी यूनिट हो, कोई आपके बटालियन हो, कंपनी हो, कोई करके देखे एक साथ, फिर उस कंपनी की, उस बटालियन की, उसकी यूनिट की, उनसे वो ली जाए कि भाई यहाँ पे वैदिक प्रक्रिया हुई और अब क्या हुआ, कैसे हैं आप लोग, उनकी रिपोर्ट के आधार पर अगर सही है तो उसको आगे बढ़ा जाए जी। बिल्कुल सही है, इसमें क्या दिक्कत है। हर जगह लोग, हर जगह यूनिट में जहाँ जहाँ कंपनी है वहाँ पर आप देखते होंगे कि पूजा पाठ धार्मिक सब रहते ही हैं। आपकी फोर्स में भी एक धर्माधिकारी होता है, पूजा पाठ के लिए होता ही नहीं होता, पंडित जी होते हैं, होते ही नहीं पंडित जी, होते क्यों रखे जाते हैं, सैलरी देती है सेना उनको, सम्मान देती है। अगर धर्म के प्रति विश्वास है तो ये धर्म ही तो हो रहा है, धर्म का ही तो काम हो रहा है, धर्म ही तो है ये, और क्या है दरबार में, वैदिक प्रक्रिया तो हो रही है, हाँ तो वो पंडित जी रहते हैं उनके द्वारा ही सब हो जाएगा। तो जो आपने रखा है तो उसका सदुपयोग भी तो हो। पंडित जी केवल घंटी बजाने के लिए और आरती उतारने के लिए नहीं है पंडित जी, इतना ही कर सकते बेचारे, वो खुद ही कष्ट में रहते हैं पंडित जी, खुद ही कष्ट में। यहाँ कई धर्माधिकारियों को मैं ऑन रिकॉर्ड मेरे कैमरे में पड़ी हुई सर तमाम वीडियो, ज़्यादा उसको नहीं करते, लेकिन बेचारे अस्वस्थ होकर तड़पते हुए यहाँ आए पंडित जी लोग जी, जो सेना में काम करते हैं पंडित जी, बिल्कुल धर्माधिकारी हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं अभी भी, और मैं अभी नाम लिख के बता दूं, बात करवा दूंगा आपको, वैसे पंडित जी स्वयं पंडित जी लोग परेशान, दरबार ने स्वस्थ करके उनको भेजा वापस उनकी कंपनी में। तो ये चीज़ें तो ये वैदिक है हमारा, हमारे ऋषि मुनियों की देन है, हमारे जो हमारे महापुरुष हैं उनकी दी विद्या है, गुरुओं की विद्या है। तो ये तो आपने क्या किया, आपको ना हमने कभी छुआ,
कुछ भी ना कभी नहीं। आपको मैंने कोई मंत्र तंत्र करा आपके साथ, ना कोई टोना टोटका किया, ना कोई जादू टोना किया, ना कोई छू मंत्र किया, ना झाड़ फूक की। आपने अपनी वैदिक प्रक्रिया ब्राह्मण देवताओं ने दरबार के आपको कराई और आप स्वस्थ होकर खड़े जी, बिल्कुल टनाटन खड़े हैं आपके सामने, टनाटन खड़े। तो ऐसे ही एक साथ सब लोग स्वस्थ हो सकते हैं जी, बिल्कुल संकल्प से, प्रार्थना और संकल्प। अपनी प्रार्थना आपने की स्वस्थ होने की जी, आपने स्वयं संकल्प किए अपने स्वस्थ होने के और आप स्वस्थ हैं, क्योंकि आपके पास एक विराट ऊर्जा है जो आपने वैदिक प्रक्रिया से उत्पन्न की, जो आप सबके साथ है, पूरे परिवार के साथ है, इसलिए आप अच्छे और अच्छे रहेंगे है ना। अभी गुरुदेव सेना के अंदर क्या है मैं चीज देखा हूँ, इसलिए मैं रिजाइन करके आ गया था वहाँ से। वहाँ पर इतनी टेंशन है कि लोग टेंशन में, कभी ड्रिंक वगैरह वहाँ पर बहुत नारा मिलती है, जैसे पानी लोग पीते हैं वहाँ पर ड्रिंक मिलता है बहुत सस्ते में, एक एक से ब्रांडेड ड्रिंक, तनाव के कारण तनाव पीते हैं और नीचे से ऊपर तक सब चलता रहा, तो उसी की वजह से न कर्म भोग टेंशन और तरह की बीमारियाँ और वाद विवाद, उसके बाद बंदा दुख हार के आधा छोड़ के चले जाते हैं, कुछ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ठीक है। तो मैं देखा हूँ 15% से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं और फालतू पैसा जा रहा है इनका, अगर दरबार की अगर प्रक्रिया कर ले, सरकार का भी पैसा जाता है, खर्च हो रहा है, स्वयं का पैसा भी खर्च हो रहा है, तनाव भी अलग है, परिवार अलग तनाव में है कि मेरा परिवार का बच्चा कष्ट में है, वो वहाँ रह करके परिवार के बारे में सोच करके कष्ट में रहता है, अपनी ड्यूटी के बारे में कष्ट में रहता है, ठीक से ड्यूटी नहीं कर पाता है। दरबार की तो शक्ति सब एक दिवसीय एक ही दिन में सब अच्छा होता है, सब जहाँ गंदगी गई सब ठीक, हाँ जी बढ़िया अच्छा है। कभी न कभी तो जो देश के धुरंधर लोग हैं उनको कभी न कभी तो आएगा ही दिमाग में, मस्तिष्क में ठीक करना। और एक और सबसे बड़ी समस्या है जी, सेना के लोगों में सबसे बड़ी कामुकता का बढ़े रहना, काम वासना का बढ़ा रहना, 90% अभाव है गुरुदेव ठीक जी। अब जैसे अभी आप खड़े हैं, आप सभी लोग खड़े, बच्चियाँ खड़ी हैं, आप खड़े, किसी में कोई कामुक भाव है? बिल्कुल नहीं गुरुदेव, नहीं है। दरबार की शक्ति है, मिनटों में हटा देता है कामुकता और काम वासना, अपने काम में आदमी वही ऊर्जा काम में उसकी ड्यूटी में प्रयोग होती है जी, बिल्कुल है ना। तो ये सब एक स्वाभाविक चीज है कि नैसर्गिक है, उसको जबरदस्ती रोक के रखता है आदमी तो तनाव बढ़ता है जी, बिल्कुल। तो दरबार की शक्तियाँ हैं, आपके संकल्प प्रार्थना सब अच्छा होता है जी, और अच्छी बात है। आज नहीं कल कभी न कभी तो लोग सोचेंगे करेंगे जी, और हम तो इंतजार में बैठे, हम तो बैठे ही हैं कि भाई चलो हम कहाँ चलना है, कहाँ पर सेवा करनी है। बहुत लोग वीडियो देखते कमेंट करते हैं, इनको सेना में भेज दिया जाए वहाँ कर दे जाके, हाँ बिल्कुल तैयार है भाई, सेना में चलो चाहे कहीं चलो, जंगल में चलो, जहाँ चलो, जहाँ के लोग कष्ट में वहाँ चलो जी, अपने क्या दिक्कत है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो वहाँ चलो जी, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से देश के लिए वहाँ ले चलो जी, गुरुदेव अगले दिन से काम कर पाएंगे सब पूरी ऊर्जा से। आप लोग आते हैं पूरी ऊर्जा, आपकी खूब आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है जी, तो अच्छा है। सब समय की बात है, सब समय के अनुसार सब होता है धीरे धीरे जी, सब होगा भी भविष्य में होगा। गुरुदेव दो तीन बात पूछना है, जैसे गांव में मेरे एक देवी माँ है जो कि हमारे रीवा क्षेत्र के अंदर, रीवा सीधी सतना से उड़ू मरिया कटनी सरोर अमनूरपुर माओगंज मैयर कटनी जितने भर ये है, यहाँ पर एक प्रथा है गाँव में, हर गाँव में एक दाई माँ बैठी है, मुडुंग महाराइंदा भुइया माँ ये है, तो उसको लोग पूछ पूछ के घर में बिल्कुल नरक बना रखा है और घर में तांडा हो रहा है। मैं देखता हूँ तो आंखें बंद कर लूँ, मैं घर से निकलना बंद कर दिया गुरुदेव। तो वहाँ पर जो मेरे गांव में मंदिर है, मैं अपने गांव के, क्योंकि मेरे को रीवा के लोगों के मैसेज पहुँचाना है, तो जो मेरे मेहरुली महाराज घर का, मैं अपने राजपूत बघेल ठाकुरों में पूजी जाती हैं देवी, वो देवी कौन है जो मेरे गांव में है बैठी हुई है? थोड़ा मैं आँख बंद कर देखता हूँ उस जगह को, देखिए वहाँ पर मत देखो गंदगी आएगी है ना, तो मैं इसको बताया तो ठीक है। देखो हम बता रहे हैं बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए जी, किसी मंदिर में प्रार्थना पूजा भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। और देश के 90% जितने मंदिर हैं लोगों ने बना रखे हैं टुकड़ा टुकड़ा, गांव गांव गली गली, प्राण प्रतिष्ठा सही से नहीं है जी, दूषित होगा परिवार जी, दूर रहना है अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो, वहां मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना है, दूरी बनानी है। घर के मंदिर में 8 अंगुल से ऊंची, बिल्कुल इतने से ऊंची मूर्ति नहीं रखना है जी, शास्त्रोक्त नहीं है इससे ऊपर की मूर्ति रखना, गंदगी रहती है और आप में गंदगी आती है, उसे कोई रोक नहीं सकता, रोग कष्ट दोष आएंगे, समस्याएं बढ़ी रहेंगी जी, कभी सफलता नहीं मिलेगी जीवन में जी, गुरुदेव ये चीज़ है, उनसे बचना है। सिंपल बात ये है जी, छोटी बात, अगर वो वाकई में देव शक्ति है जिसकी लोग ये पूजा करते हैं, तो जैसे आज आप स्वस्थ होकर स्वच्छ होकर खड़े हैं पूरा परिवार, ऐसे होना चाहिए गुरुदेव। ऐसा नहीं है मतलब गंदी शक्ति की उपासना पूजा हो रही है,
गुरुदेव, अगर ये दरबार नहीं होता एक्चुअली में हम बताएं तो हम लोग कहीं और दशा दिशा मेरी अवस्था और कुछ हो, हम लोग कहीं और पड़े होते या होते भी नहीं, मतलब जो भी है आप सब जानते हैं अंतर्यामी है, जबकि सब कुछ होते हुए भी मतलब ये दरबार ने हमें नया जीवन दिया गुरुदेव। राक्षस जानवर से इंसान बनाया गुरुदेव हमें, ये जीने लायक बनाया, जीवन जीने लायक, आप हम जीने में मनंद आ रहा है, मजा आ रहा है गुरुदेव। ठीक है, अब लगता है कि मैं ही हूँ, जहाँ जाता हूँ वहीं मैं ही दिखाई देता हूँ, मतलब ऐसे बाबा माँ कृपा, ऐसा दरबार ने हम लोगों को बना दिया ऐसा करके। दूसरा गुरुदेव, अपने रीवा जिला के अंदर गुरुदेव हर घर घर बाबा साहब भवानी साहब मानसा बाबा पूजे जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारी कुल देवी है, नहीं देंगे वंश नहीं चलेगा। तो मैं अपने घर में तो सब साइड कर दिया, बाबा माने गए तो खुद वहाँ साइड करवा दिया, चौरा चौरा साहब भगवान पर तोड़वा पड़ा दिया, सब गायब हो गया। अब गांव वाले सब इंतजार कर रहे हैं कि अब इसको कुछ हो, अब इसको मरने वाला है या पटकने वाला है या कोई तांडव हो, तो कहीं कुछ नहीं है, आके फाड़ा भी गुरुदेव, इंतजार करें पूरे गांव वाले। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि कौन है वो बाबा साहब भाई साहब। हम देखो बता रहे हैं, जितना भी ये सब टोटका है, गलत पूजा पाठ, गलत परंपरा चली आई है, जितना भी टोना देखिए आप भोलेनाथ की पूजा करिए जी, जिनसे सारी उत्पत्ति है जी, शिव की आराधना करिए, माँ की आराधना करिए, जगत जननी माँ की जी, बिल्कुल। इसके बाद बचता क्या है, कोई है नहीं उनके अलावा, है नहीं शिव शक्ति के अलावा कोई है नहीं गुरुदेव, शिव और शक्ति, इसके बाद बचा क्या, कुछ नहीं बचा। आप तो सीधे उनका क्यों नहीं करते हैं सब जी, बिल्कुल। ये जो सब करते हैं टोना टोटका, ये सब बदमाशी करते हैं केवल जी। दूसरों को एक दूसरे को नष्ट कराने वाली स्वयं स्मृतियाँ होती हैं, स्मृतियाँ ही बता देती हैं ऐसा ऐसा करो, उनको पता है नष्ट होगा इससे, बस खाएंगी पूजा पाठ वो जी, आपका पूजा पाठ आपका तप खाएंगी वो, और पुष्ट होंगी और कष्ट होंगी घर घर में। आज संकट सबसे बड़ा यही है, गलत पूजा पाठ इस देश का सबसे बड़ा संकट है जी, और देश का नहीं पूरे विश्व का संकट है गलत पूजा पाठ। गलत एनर्जी से कांटेक्ट हो जाना आपको नष्ट कर देता है, परिवार को नष्ट कर देता है, आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर देता है जी। और इसलिए होता है ये सब नाटक क्योंकि पितृ मुक्ति नहीं है जी। जितना गांव-गांव नाटक चल रहे हैं ना हर जगह, पितृ मुक्ति ना होने पाने के कारण दृष्टि नहीं खुली हुई है, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। अब आप सही गलत का निर्णय कर सकते हैं जी, अब आप नहीं पूजने जाएंगे, आपको लगता नहीं कि अरे हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, पहले नहीं समझ में आता था, पहले लगता था कि यही सही है जी। दरबार में आने के बाद पहली बार पता लगता है पूजा पाठ असली होता क्या है जी, बिल्कुल। आदमी अपने पूजा पाठ से स्वयं मर रहा है जी, बिल्कुल, गलत पूजा पाठ से जी, बिल्कुल। घर इसलिए सब बचना इन चीजों से गुरुदेव। घर में एक शिवालय का निर्माण कर रहा हूँ तो बीच में वो काम रुक गया था उसमें, तो उसको थोड़ा देख लीजिए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए गुरुदेव। आप करिए, आप सब प्रतिष्ठित है एकदम, है ना गुरुदेव। मन में कुछ बोल, मन में कुछ बोलना चाहता हूँ गुरुदेव, और जितना वहाँ से जुड़े रहने के कारण, जैसे आप ही सब में, आप ही में टेस्टिस में कष्ट आते थे जी, बिल्कुल आते थे जी, अंडकोश में कष्ट उस उन्हीं गंदगी कारण आते थे जी, बिल्कुल। ये वही का देन था, वही जो गलत पूजा पाठ जी, बिल्कुल, है ना। गंदे गंदे कामुक को विचार आते थे, घने विचार हो जाते थे जी, है ना। कैंसर की स्मृतियां बन रही थी ब्लड में जी, और टेस्टिस में जी, ये सब नष्ट हुई जी, वही गंदगी नष्ट हो गई। आप सब जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब सही है गुरुदेव, ये सर बधा बधा सा रहता है, वनडे किया बिल्कुल, सब खुला हुआ है, बुद्धि खुली, बुद्धि पकड़ लेती, बुद्धि पकड़ के जो चाहते हैं वही कराते हैं फिर वो। गुरुदेव मन में एक दो बात पूछनी है, इसके लिए बाबा वहाँ से अर्जी लगा दो, सुन लिया दरबार ने अर्जी लगा दो बाबा वहाँ से, खुश नहीं कर देते ब्रेक कर। गुरुजी हम आप सुनिए, पिताजी का सुन लीजिए, पिताजी का बताते हैं। जैसे विश्वास आपके अंदर दरबार को लेके है, आपके पिताजी के अंदर दरबार को लेके विश्वास नहीं है, हाँ है ना जी गुरुदेव। अभी हाँ। दो चार दिन से मतलब आना तब संकल्प किया, नहीं 14 साल से हमारे से नफरत करते थे, घृणा करते थे, दो बेटे हाँ। बहुत साथ रहते थे, हम तो बाबा ने यहाँ पे इनको लाया क्योंकि इनका बहुत तकलीफ तंगी थी गुरुदेव, बहुत ज्यादा, ये तो कष्ट के कारण आए, नहीं तो इनको विश्वास नहीं है जी। इनको कष्ट क्यों हो रहा है, किस वजह से इनको इनको मैं बताता हूं, कष्ट हो रहा है कि विश्वास नहीं है, कष्ट इसीलिए है इनको जी गुरुदेव। इनको अभी पूरी तरह दरबार पे जो आप बातें कर रहे थे ना वो इनके प्रश्न थे असल में जी गुरुदेव, जो आप बातें कर रहे थे वो इनके ही प्रश्न थे, ये उनमें बड़ा विश्वास रखते हैं उन चीजों में जी गुरुदेव, जो गांव घर में होती है मोहल्ले में, इनको बड़ा उनमें विश्वास है जी गुरुदेव, इसीलिए इन्हें कष्ट बना हुआ जी गुरुदेव। है देखिए, और दूसरा क्या है,
इनको जो तमाम कष्ट होते हैं, इनके तमाम जो कष्ट होते हैं उसको पूरी तरह से अनुभूति भी नहीं कर पाते हैं कि हो क्या रहा असल में। बिल्कुल इनको पता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल यहाँ से नहीं है ना, पता नहीं तो हो रहे हैं, कष्ट तो हैं लेकिन ये नहीं एक्चुअली बता पा रहे कहाँ पे क्या कष्ट हो रहा है जी। और इसीलिए इनके कष्ट आप लोगों से निकलते रहते हैं तो आप लोग कष्ट में आते हैं जी गुरुदेव, बच्चों से, हाँ जी आप लोगों से आते हैं। ये इनका धीरे 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 खाली होता जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे जैसे हो गए गुरुदेव, बिल्कुल दिमाग खाली होता जा रहा है, पूरा खाली होता जा रहा है। हृदय देखिए इनका ऐसे हो गया है, हार्ट। हार्ट अटैक की स्मृति थी, चक्कर आता था, हार्ट सिकुड़ रहा था, हार्ट का वॉल्व सिकुड़ रहे थे, हार्ट में क्लॉटिंग की स्मृति थी, हार्ट फेल की स्मृति थी और हार्ट कमजोर होने के कारण श्वास फूलती थी। अब कमर में जहाँ कूल है यहाँ उनको पस पड़ गया है, पस मवाद, हाँ बोलो हाँ, और इसीलिए हल्का सा आगे झुकते जा रहे हैं कष्ट के मारे, पूरा सीधे खड़े होते कष्ट होता, बिल्कुल सड़ रहा है अंदर अंदर, कूले उले सब सड़ रहे हैं, कूलों में सड़न होने, पेशाब करने में कष्ट होता है इनको जी, यूरिन पास करने में, किडनी में सड़न हो रही, भोजन नली में घाव बन रहे हैं, खाने में कष्ट होता है, खाने में भी कष्ट होता है इनको, भोजन नली में कष्ट है इनको जी, बिल्कुल ठीक है ना, एसिडिटी खूब होती है इनको और पाइल्स बन रही है इनको, पाइल्स गुदा द्वार में बवासीर जी, ये भी इनके सब कष्ट है, कॉन्स्टिपेशन बने हुए हैं इनको जी, तमाम कष्ट कष्ट तो है इनका, कष्ट कितने बताए जाएं, केवल एक प्रार्थना संकल्प से चले जाएंगे, इनसे बोल लेना बाबा के सामने बैठ के अपने प्रार्थना कर लें, सब गायब खत्म। मैं इनको परसों बताया हूँ कि ये करिए आपका सब ठीक हो जाएगा, हाँ इनका गले का थोड़ा सा, अभी हमने क्या बताया, हजार हवन कर लो नहीं ठीक होने वाले हो, अगर तुमको विश्वास नहीं दरबार के प्रति, पहले सरेंडर हो, पहले मत्था रगड़ो, हाँ तब लाओ अच्छा तो कहाँ लाए बेटा, एक मिनट उनको आगे करो, पहले जरा थोड़ा आराम दे दें नहीं तो बहुत कष्ट में रहेंगे, आँखें बंद करिए, प्रहार मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करिए, इनके दोनों अंग अलग अलग हैं, कमर से अंग अलग है, ऊपर का नीचे का अंग अलग है, सूक्ष्म में जोड़ दिया जाए, सुश्रुत लेपन किया जाए, बैलेंस सभी कष्ट बाहर, स्तंभित तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, बैलेंस वंदन खींचो तीन बार, आप जो नहीं कर पाते तो करो, बैठो जमीन में, बैठिए बैठिए उठिए बैठिए, खड़े होइए, अब खड़े हो ऐसे, अब ऐसे हो गए हो बच्चों की तरह, ठीक है ये नहीं कर सकते तो अभी कर लिया फट से, बैठते बैठे रह जाते, खड़े हो चलिए, खुश रहिए मस्त रहिए, हर हर महादेव गुरु जी, खुश रहो बेटा गुरु जी, मैं सब फिट पार्ट हूँ, सब आपकी कृपा सब अच्छा चल रहा है, बस दो तीन स्मृतियाँ हैं जिसके कारण गुरु जी वो है, बोलो बताओ गुरु जी, पहली बात मैं एक भी पढ़ाई नहीं करता हूँ, पढ़ाई के नाम पे ये सब खत्म हो गई, ये सब गंदगी गई जी गुरु जी, गुरु जी एक बात और, जब भी मैं कभी एग्जाम देने जाता हूँ, टेस्ट देने जाता हूँ तो डर तो एकदम बिल्कुल खत्म हो गया है, और क्वेश्चन पेपर सामने देखूंगा कि हाँ ये सब बनता है, करता भी हूँ, मगर जब करते करते फिर बीच में ध्यान नानी घर चला जाता है, मोबाइल में चला जाता है, बस फिर आधा घंटा कब बीत जाता है, एक घंटा कब बीत जाता है पता नहीं, दूसरे डीएनए में जहाँ गए वहाँ सब नष्ट हुआ, आंखें बंद करो, देखो नानी का घर अपना, विस्मरण नष्ट किया जाए स्मृति से, प्रहार तीन बार बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बड़ी भी कामुकता काम वासना है सब नष्ट किया जाए, ओम नमः शिवाय, काम वासना है सब नष्ट कीजिए, काम दो अपने समाहित करें, और जो इसने बोला अभी वो भी सब सब नष्ट कीजिए, इसमें प्रहार इनकी माँ को माँ के स्पर्श से तोड़ दिया, प्रहार तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय, फिर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आँख खोलो बंधन खींचो, अब नानी के घर देखो दिखता है, नहीं गुरु जी धीरे धीरे मिट जा रहा है, ठीक खुश हो आप सब कर पाओगे, कुछ कह रहा है
गुरुजी मोबाइल बहुत देखता हूँ मेरे अंदर। अब यार तुम क्या तुम्हारे पिताजी भी नहीं देख पाएंगे? जी गुरुजी। निकालो मोबाइल, सब चेक नहीं करते हो, खड़े होकर पुरानी बातें करने लगते हो। देखो, इच्छा कर रही देखने की इसको? नहीं गुरुजी। तो फिर पहले टेस्ट किया करो, फिर प्रश्न किया करो। आप खुश रहो, खुश रहो। नेक्स्ट। हाँ, महाहवन के लिए कितने कौन कौन रहेंगे? तीन लोग रहेंगे। कौन कौन? इनको रख लो पीछे, खड़े हैं आपके पिताश्री, आपकी बिटिया धर्मपत्नी। खुश रहो, प्रसन्न। जय जय राधा रमन हरि बोल।